देखा टाइम हो रहा है 5:10 PM और ये हम लोग पे टेस्ट भी हो गया हमारा आज, पता ही नहीं था हमें, टेस्ट भी हो गया और व्हाट लेके जा भाई। चलो ठीक है, ये हमारा कॉलेज है देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे हमने अंदर जाकर टेस्ट दिया है, वहाँ से यूँ घूम के हम उधर गए थे, बहुत दूर गए थे, उधर अंदर कॉलेज है, बड़ा सा कॉलेज, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, उस साइड पर गए थे हम लोग, उस साइड पर गए थे टेस्ट देने के लिए, बहुत बड़ा है ये, वहाँ पर प्रे होती है, पीटी होती है, और वो उधर वो आपको छोटा सा दिख रहा होगा, वो इसके हॉस्टल्स हैं वहाँ पर कैडेट्स के, और मज़े की बात तो है कि वो भी बख्तावा कैडेट कॉलेज के ही हैं। सो या उधर लिखा हुआ है वेलकम टू, हाँ वेलकम टू BCCG लिखा हुआ है, देख लिया। सो या और आज हमारा इंटरव्यू भी हो गया, हमारी मेजरमेंट भी हो गई ड्रेसेस की और यूनिफॉर्म्स की मेजरमेंट, उन्होंने मेरे 3 शूज़ के साथ मेजरमेंट लिए, एक वाइट से, एक बड़े पीटी शूज़, एक नॉर्मल शूज़, एक बिग शूज़, 3 शूज़ होंगे मेरे तीनों की, एक का साइज 7 है, 2 का साइज 8। तो जॉगर्स का साइज 7 है, बाकी उनका 8 है। और जो है हमारा इंटरव्यू भी हो गया और हमारा मेडिकल भी हो गया और हमारा क्या हो गया मेजरमेंट भी हो गई। अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा घूमा हुआ क्योंकि हम सुबह से ख्वार हो रहे हैं लाइनों में लग लग के, टांगे अलग दुख रही हैं और खाना भी हमने कुछ नहीं खाया है, गुजारा कर रहे थे टैंक प्लस ORS पे गुजारा कर रहे थे। और अब हम यहाँ से जाएंगे और अभी भाई गए ना बाहर आपके देखने की गाड़ी वाला, हाँ अभी वो आते हैं तो फिर हम चिंची आई के नहीं आई। अच्छा अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप गाड़ियों में तो आपको यहाँ पार्किंग उधर पार्किंग की जगह दी गई, जाहिर सी बात है पार्किंग एरिया, भाई आप गाड़ी में आए गाड़ी उधर भी बहुत है पार्किंग एरिया, उधर ट्रैक्टर भी है। अच्छा और क्या बोल रहे थे हम, हाँ तो हमने जो है अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे और हम जाकर कुछ मज़ेदार सा कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, देन उसके बाद टिकट करा के कराची के लिए वापस जाएंगे। सो आज का व्लॉग मैं घर पहुंचने के बाद एंड करूंगी, तो जब तक देखते रहिए और बस देखते रहिए, ठीक है। और ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा एक्सपीरियंस अगर पूछें तो काफ़ी अच्छा रहा, लाइक शुरू में थोड़ा सा आपको लगता है, डर लगता है कि आप कैसे करेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन फिर जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और फिर आपके आगे चीज़ें आती जाती हैं और आप एक एक करके उसमें निकलते जाते हैं। तो हमारी 2 शिफ्टों में टेस्ट हुआ था, मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि क्या बोलना चाहती हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल्स काफ़ी बिल्डअप हुआ, हाँ ये कह सकते हैं हम, और मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि सुबह से लेके मैंने लास्ट टाइम शूट कब किया था, हम यहाँ पर आए थे ना लाइक 9 बजे, मैंने आपको लास्ट अपडेट दी थी, हम यहाँ से अंदर आए थे, ले जब हम यहाँ से अंदर आए थे तब मैंने आपको लास्ट अपडेट दी थी अपनी, है ना, हमारी गाड़ी भी आ रही है। तो अब मैं आपको अपडेट दे रही हूँ उसके बाद, क्योंकि हमें फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए हम नहीं कर सके, मैं कैप्चर नहीं कर सकी, चंद पहले हम पेरेंट्स रूम में बैठे थे, देन उसके बाद पेरेंट्स वेटिंग रूम, वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, अपनी एंट्री करवाई, देन उसके बाद हम पेरेंट्स वहीं पे बैठे रहे और जो कैडेट्स थी वो हमने यहाँ पे परेड भी देखी थी, वैसे यहाँ पे अच्छे लग रहे थे, सब कुछ एक साथ हो रहा था। अच्छा और फिर हम लोग जो है वो हम कैडेट जो है वो एक लाइन बनाई इन्होंने रॉ बना के, हम सब गए टेस्ट देने के लिए, फर्स्ट शिफ्ट थी हमारी, तो हमने पहले फर्स्ट शिफ्ट अपनी कंप्लीट की, बिग बिग ट्रीज तो इंग्लिश का हुआ और केमिस्ट्री का हुआ हमारा फर्स्ट शिफ्ट में टेस्ट, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्यूट मोमेंट चल रहा है फादर और डॉटर के बीच। हाँ
her father is so happy for her. That's why. Okay, every parents are very happy and excited for their children and their daughters especially. So yeah. सारे पेरेंट्स थे वो हमारा वेट कर रहे थे और हम लोग अंदर टेस्ट दिया. हम लोगों ने डेढ़ घंटे में हमारा एक शिफ्ट जो है वो ख़त्म हुई. देन उसके बाद हमें हाफ एन आवर का ब्रेक मिला और ब्रेक में हमें ऊपर यानी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था टेस्ट, इंट्री टेस्ट, और पेरेंट्स का ग्राउंड फ्लोर पे वेटिंग कर रहे थे. तो हम लोग जब ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे, तो जब हमारी हमने टेस्ट देने के बाद जब हमारा ब्रेक मिली, तो फिर हमें ब्रेक में हमसे एक गलती हो गई कि सबसे ही गलती हुई कि हमें नीचे नहीं आना चाहिए था. ऊपर कैंटीन एरिया था, वहीं पे थोड़ा घूमते इंजॉय करते और डेट्स इट. क्योंकि वो ब्रेक बहुत ही थोड़े टाइम के लिए थी तो वो हाफ एन आवर के लिए, बट क्योंकि उनको डिसिप्लिन मैनेज करना होता है, इसलिए मैं बस 10 मिनट की ब्रेक दिया. उसके बाद सबको बुलाना शुरू कर दिया. फिर भी लास्ट टाइम तक भी लड़कियाँ आ रही थी. हम लोग नीचे वाले एरिया में आ गए थे, पेरेंट्स के साथ लड़कियां बैठ के बातें कर रही, उनको बता रही थी कि उनका टेस्ट कैसा हुआ. तो इस वजह से ना लेट हो रही थी लड़कियां. तो ये सब कुछ हुआ था. फिर हम लोग भाग भाग कर, हम जब ऊपर गए तो उन्होंने टीचर ने हमें बोला कि आप सब लोग क्या नीचे चली गई थी वेटिंग एरिया में, वहाँ पर नहीं जाना था आप लोगों को, सिर्फ कॉरिडोर में वेट करना था. लेकिन हम लोग चले गए थे. तो फिर वापस जब ऊपर आए तो टीचर ने हमसे ऐसा बोला. फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारा, फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ. दूसरी शिफ्ट में हमारा हुआ बायोलॉजी और मैथ्स और फिज़िक्स का पेपर. अच्छा, बायोलॉजी और मैथ्स जो है ना वो ऑप्शनल था. लाइक जो इंजीनियरिंग वाले थे ना उनके लिए मैथ्स था, और जो बायो वाले थे उनके लिए बायोलॉजी था. यानी जो साइंस वाले थे ना प्री मेडिकल, उनके लिए बायोलॉजी था. और मैंने जो है वो बायोलॉजी सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे प्री मेडिकल में लेना था. तो मैथ्स का पेपर नहीं करना था मैंने, मैंने बायोलॉजी का करना था, मैंने वो कर लिया. तो पेपर करने के बाद तकरीबन कोई डेढ़ आधे घंटे, एक घंटे में पेपर हमारा हो गया था. यानी एक बजे तक हम फारिग थे, एक डेढ़ बजे तक. फिर हमें, फिर बाहर बारिश शुरू हो गई. जब हमारा पेपर ख़त्म हुआ ना, जिस चीज़ का ख़त्म होता जा रहा था ना, वो कॉरिडोर में भेजी थी सबको. कॉरिडोर बहुत बड़ा था, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो घूम रही थी लड़कियाँ बहुत सारी, सब एक दूसरे से पूछ रही थी कैसा हुआ पेपर और डेट्स एंड ऑल, के कहाँ से आए हैं, क्या कैसा हुआ. तो वो सब कुछ एक दूसरे से पूछ रही थी. दैन उसके बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई, तो पानी थोड़ा सा अंदर आ गया. तो फिर हमें वहाँ पे जो है मना कर दिया गया. फिर हम आ गए नीचे और हमें एक धचका दिया गया कि हमें सिर्फ, हम इसलिए आए थे कि सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए, बट जब यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारा एंट्री टेस्ट तो लिया ही लिया, साथ में इंटरव्यू भी लिया, मेडिकल भी हो गया, और हमारी मेजरमेंट भी ले ली ड्रेसिंग की. सो अब उन्होंने हमें बोला है कि हाँ, काफ़ी वेट कर करके पहले एक पेरे मेरा मेडिकल हुआ. देन उसके बाद मेडिकल काफ़ी इजी था, यहाँ पर ऐसे की जान हो रही है. और लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. सो तब तक के लिए भाई कहाँ रह गए? ओ, अब हम ये भाई का वेट करते हुए यहाँ पर, कहीं उसकी चीखने की आवाज़ आई यहाँ से, भाई का वेट करते हुए हम इधर